बिल्कुल, सबसे पहले यहां पर बेटा देखो, देखो कभी भी मैथ्स में कुछ आए ना, इतना तो पता लग जाता है कि इतना फॉर्मूला तो अप्लाई हो सकता है, इतने डम तो नहीं है ना हम लोग, उतना लगा दो पहले। क्या यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो आगे 42 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3, फायदा n से n पहले कट गया, मिल गया आधा नंबर, अगर एक का क्वेश्चन आधा मिल गया और दो का है तो भी आधा से एक मिल गया। क्या कर दूंगा अब इसको, यहाँ भेज रहा हूँ n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। बेटा सवाल ये है मेरा, यहाँ इन दोनों में से बड़ा कौन है, खुद का शाह बताओ बड़ा कौन है इन दोनों में से, n माइनस 3 कैसे निकाला, n की जगह कोई नंबर पुट करो, लेट से 10 पुट कर दिया, ये ऊपर कितना आएगा 7, नीचे बड़ा कौन हुआ, तो किसे अब इसे एक्सपैंड करूंगा, बड़े को यस और नो, हाँ जी करो एक्सपैंड, बोलो क्या बनेगा n माइनस 3, अगला n माइनस 4, अगला n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42, कट गया, इसे एक्सपैंड कर दो, वैसे मैं डायरेक्ट बता दूं n की वैल्यू आ जाएगी तो 7 इंटू 6 हो जाएगा, बट एनीवेज मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 42, इधर भेज दो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30, एक आएगा n माइनस 7, हाँ n माइनस 10, n प्लस 3, तो n की वैल्यू क्या आ रही है 10 और माइनस 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन ने पहले मेंशन करा हुआ है n इज ग्रेटर देन 4, और ना भी करा होता तो भी n पॉजिटिव होता है, क्लियर, तो n की वैल्यू क्या होगी 10, लेकिन क्वेश्चन भी होता है किसी तरह एन पी 4 अपने आप करना है, ओके डाउट क्लियर हो गया ऑनलाइन में। अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ अगला क्वेश्चन एग्जांपल 14 है, क्या चीज, तब तक कर लो जब तक मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उसे, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अकर टुगेदर, सर ये क्या है, ये ध्यान से समझना बहुत ज्यादा, जब क्वेश्चन आपको बोल दे कोई पर्टिकुलर ग्रुप एक साथ इकट्ठे आएगा, अकर टुगेदर समझो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, मतलब डॉटर से कितना अरेंजमेंट बन सकता है, राइट, बट कंडीशन है क्या, सो दैट ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, ताकि क्या हो जाए सारे वॉवल्स एक साथ आए, पहले बताओ मीनिंग कितने को क्लियर है, किसको क्लियर नहीं है, एक बार हैंड रेस करें, देखिए मेरा ये वर्ड है डॉटर, इससे मेरे को बनाना है कितने वर्ड्स बन सकते हैं, और एक कंडीशन है कि जितने भी वॉवल्स है वो एक साथ आने चाहिए, तो पहले वॉवल्स कौन कौन से है ये डिफरेंस कर ले, ए यू ई, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से है, डी जी एच टी आर, ध्यान से समझना, जब आ जाए ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, यानी कोई भी चीज का ग्रुप एक साथ करना है, कोई भी चीज का ग्रुप एक साथ करना है, तो क्या करो उसे एक मान लो, उन सबको पकड़ो और एक काउंट कर लो, उसने बोला वॉवल्स अकर टुगेदर, तो मैंने क्या करा इन तीनों का एक पैकेज बना लिया, कंबाइन है, पॉइंट क्लियर, ये 3 in 1 है, सुना है किसी ने 3 in 1, बचपन में नोटबुक यूज करिए 3 in 1, अभी 3 in 1 है, एक साथ ही आएंगे, तो अब मेरे को बताओ मेरे को कितने लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है, 5 6, बिल्कुल सही कहा सर, ये एक है, मैंने बोला ना इसको कितना काउंट करना है, एक, और कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यहां तक कितने को क्लियर,
दोबारा समझ लो, अकर टुगेदर हो, क्या करो उन सबको पकड़ो और एक मान लो, ए यू ई वन काउंट कर लिया। अरेंजमेंट कितनी की करनी है, छः, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ तक क्लियर होगी बात, यस और नो कर दो। छः की अरेंजमेंट क्या बनता है बोलो, सिक्स की, सिक्स फैक्टोरियल, आठ की करनी होती एट फैक्टोरियल, सेवन की करनी है सेवन फैक्टोरियल, सिक्स की करनी है सिक्स फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दो जो ग्रुप था ग्रुप की फैक्टोरियल से, ग्रुप क्या था थ्री का, तो क्या हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, ये था जो भी कैलकुलेशन होगी। किस किसको क्लियर है, किसको क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन पूछो, थ्री कहाँ से है, ये सिक्स क्लियर है पहले बताओ बेटा, जो ग्रुप माना था मल्टीप्लाई बाय उसकी फैक्टोरियल, ग्रुप क्या था, अब मान लो यहाँ पे चार होते फोर फैक्टोरियल, क्लियर होगी बात। अब सुनो जब आ जाए नॉट अकर टुगेदर, नहीं ध्यान सुनना, नॉट अकर टुगेदर में क्या होता है, टोटल माइनस अकर टुगेदर, टोटल में से माइनस कर दो अकर टुगेदर, सेकंड पार्ट पढ़ो, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, सारे वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो क्या करो सेकंड पार्ट के लिए, लिखा हुआ वॉवल्स नॉट अकर टुगेदर, यस नॉट अकर टुगेदर के लिए हम क्या करते हैं सर, टोटल माइनस अकर टुगेदर, सर टोटल बता सकते हो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनती, गलत, एट फैक्टोरियल, नहीं है समझ, टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन की एट फैक्टोरियल और अकर टुगेदर की कितनी है सिक्स इंटू थ्री फैक्टोरियल, बस इसे माइनस कर देना हो जाएगा सॉल्व, ये पॉइंट था आपका होमवर्क टाइम। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 के सेकंड पार्ट तक हो जाएगा, थर्ड पार्ट में दिक्कत आएगी मेरे को कराना है। एग्जांपल नंबर 9 से लेकर 8 से लेकर हाँ 9 से लेकर 16 तक, एंड वेट कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के भी दे रहा हूँ जो हैंड टू हैंड आप कर लेंगे, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 11 बस आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।